हेलो एवरीवन, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे मस्त होंगे। तो हम भी काफ़ी मस्त हैं। तो आज हम जाने वाले हैं नए ब्लॉग बनाने के लिए लैंसडाउन। तो आज हमारे साथ हमारे नीरज भाई आए हैं और आज हम दोनों मिलकर ये वीडियो बनाएंगे और आपके लिए एक काफ़ी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो मिलाता हूँ मैं आपको नीरज भाई से, तो अपनी इंट्रोडक्शन कराएंगे ज़रा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं टीम गुसाई के साथ एक व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। वैसे तो ये मेरे चाचा लगते हैं नाते में, पर है तो मेरे ही एज में छोटे, तो इनके साथ आज मैं वीडियो बनाऊंगा आपके साथ। तो आज आपको आने वाला बहुत ज़्यादा मज़ा। दोस्तों, गांव से तो हम निकल चुके हैं और अभी हम यहां पे रुके हैं क्योंकि यहां से हमारे गांव का व्यू पॉइंट काफ़ी मस्त आ रहा है, जैसे कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो मैं और नीरज भाई निकलने वाले हैं लैंसडाउन की ओर। आप भी इस ट्रिप में हमारे साथ आनंद लीजिए और इस वीडियो में बने रहिए। हमारा गांव है, अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं, और हमारे गांव का नाम है कंदोली। तो यहां से हमने शुरू की थी अपनी वीडियो और ये हमारा ट्रैक है। इस पे हम आए 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 और नीचे आपको ये रोड दिख रही है। तो यहां से हम कंप्लीट होते हुए पहुंच चुके हैं यहां पे। तो हम यहां पे थोड़ा सा रुके हैं क्योंकि यहां से काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। हमारे आसपास के गाँव सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो मेरे साथ नीरज भाई आज स्कूटी चला रहे हैं और मैं उनके पीछे कैमरा मैन हूँ। तो उनसे मैं थोड़ा सा पूछता हूँ कि उनका सफ़र अभी तक कैसा रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं चला रहा हूँ गाड़ी और मेरे हाथ के हैं पूरे हाल। चलो मिलते हैं लैंसडाउन। चुके हैं डेरा खाल के सामने। तो जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है यह डेरी खाल मार्केट है। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग और फेमस आप कह सकते हैं मार्केट है, क्योंकि यहाँ टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छी लोकेशन और काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। और यहाँ होटल भी काफ़ी फेमस होटल है, जैसे कि आप ब्लू पाइन हो गया, आपका अल्पाइन हो गया। तो उन होटलों से जो ये पीछे व्यू है, काफ़ी अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं। अभी हम निकले हैं डेरा खाल से और अब हम लैंसडाउन वाले रूट पे आ चुके हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, अब मिलते हैं अब आपको लैंसडाउन में और लैंसडाउन को आपको विजिट करवाते हैं। अरे गुठिया रे को कीच, पहली पहली बाग गयो लैंसडाउन को बीच, मेरा वहां बाग रे सजी लैंसडाउन को बीच, मेरा वहां बाग रे। अरे बाबू लोगो सब लोगो हल्दार साहब जुबदार साहब कैप्टन साहब लेफ्ट हैंड साहब सतर पतर पर मिजोर महाराज लैंसडाउन को बीच, मेरा फां बागरे सजी लैंसडाउन को बीच, मेरा फां बागरे। इसको लेंगे टा। तो दोस्तों, फाइनली हमने एंटर कर लिया है लैंसडाउन में। तो आपको स्टार्टिंग का तो कुछ दिखाया नहीं लैंसडाउन का, क्योंकि ये आर्मी एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी जगहों पे कैमरा अलाउड नहीं है। तो अब मैं आपको घुमाने वाला हूँ लैंसडाउन की फेमस लोकेशनों पे, जहाँ टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। सबसे पहले हम चलते हैं भुल्ला ताल की ओर, जो कि काफ़ी फेमस है लैंसडाउन में। तो चलिए फिर चलते हैं। तगड़ियों, पहुँच चुके हैं हम भुल्ला ताल के सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रखे हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भुल्ला ताल के सामने, जो कि आपको पीछे दिख रहा है भुल्ला ताल।
तो जो ये नाम है भुल्ला, तो हमारे पहाड़ी में भुल्ला को कहते हैं छोटा भाई। जैसे कि आप सभी को पता है लैंसडाउन गढ़वा राइफल रेजिमेंट सेंटर है, तो जो यहाँ के सोल्जर है तो उनके ऊपर डेडिकेट किया गया है इस नाम को। तो जो इस भुल्ला ताल की खास बात है वो है बोटिंग करना। तो जो भी यहाँ आता है तो बोटिंग ज़रूर करता है, तो आप भी आके यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। और लोकेशन काफ़ी प्यारी है इसलिए यहाँ टूरिस्ट आना पसंद करते हैं, और आज संडे है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। दोस्तों भुल्ला ताल के सामने एक स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल, जो कि काफ़ी फेमस स्कूल है। ऑल इंडिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो हमारे नीरज भाई ने यहाँ से फर्स्ट और सेकंड क्लास कंप्लीट की है। तो नीरज भाई बोलते थे यहाँ से हमारी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हैं, वो मेमोरीज नीरज भाई को काफ़ी ज़्यादा मिस होती है जब गाँव से बाहर जाते हैं। क्यों नीरज भाई? बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड लोकेशन ये है चर्च, ये भी काफ़ी फेमस है लैंसडाउन में, यहाँ पे भी टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे नोटिस दिया गया है कि जो संडे है, संडे को यहाँ पे 9:30 बजे खुलता है। तो आज संडे है तो टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो शायद बंद हो चुका है। तो ये है लैंसडाउन का चर्च। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। तो अब हमने एंटर कर लिया है टिप्पन टॉप में। तो हमने अभी यहाँ पे पर्ची काटी, जो पर्ची 20 रुपये प्रति व्यक्ति, मतलब एक आदमी का 20 रुपये है टिकट, तो वो काट दिया मैंने और नीरज भाई ने। अब आपको यहाँ के नज़ारे मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये स्पॉट नज़ारों के लिए फेमस है, क्योंकि जो यहाँ से व्यू दिखता है ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन दिखता है। और हाँ मैं बता दूँ, पर्ची के साथ अगर आप यहाँ पे पार्किंग करते हैं उनके एरिया पे, मतलब जो पार्किंग का क्षेत्र है, तो उसका वो अलग रुपए काट रहे थे, लेकिन हमने रोड पे ही खड़ी कर रखी थी तो हम बच गए। तो 20-20-40 रुपये हम दो का हो चुका है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ से व्यू आपको दिखाते हैं, काफ़ी मस्त व्यू आता है यहाँ से। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो मैं इधर से ही आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे पीक्स देखने को मिलेंगे, और जो आपको वो आगे वाला सबसे किनारे पे दिख रहा है ये हिमालय है। तो हिमालय की जो चोटियाँ हैं यहाँ से काफ़ी साफ देखने को मिलती है। तो यहाँ से चारों तरफ का ओवरऑल आपको व्यू देखने को मिलता है। तो जो ये मार्केट है ये है जेरी खाल, और उसके नीचे जेरी गांव, और उसके बाद ये हमारे आस पड़ोस के गांव है। तो यहाँ से भैरवगढ़ी जो मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ भैरवगढ़ी, तो वो भी देखने को मिलते हैं, वहाँ की पीक भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये भैरवगढ़ी की पीक है। तो ये था टिप्पन टॉप जो आपको अभी दिखाया हमने। तो मैंने बोला ही था कि ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से आपको व्यू देखने को मिलेगा, बाकी कुछ यहाँ पे है नहीं। तो भीड़ भी काफ़ी थी आज, तो मज़ा आया घूम के। तो अब चलते हैं हम मार्केट की ओर। फ़ोन में चार्ज भी कम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बनानी पड़ रही है। कैंट बेकरी के सामने आए थे, तो वहाँ से हमने केक और कुछ क्रीम रोल वो बंद किए हैं। अंकल जी से तो बात नहीं हुई क्योंकि अंकल जी घर पे नहीं थे, पर अब हम जा रहे हैं काफ़ी फेमस जो सेकंड बेकरी है यहाँ पे कोटनाला बेकरी, तो वहाँ चलते हैं। तो ये है लैंसडाउन का सिनेमा हॉल। तो दोस्तों
इस वीडियो को रखते हैं हम यहीं पे तक। बाकी लोकेशनों पे हम जा नहीं पाए क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं लैंसडाउन जाऊंगा तो जो छूटी हुई है लोकेशन उन सबको मैं आपको बता दूंगा और अच्छे से विजिट करवा दूंगा। इस वीडियो को तो हम रखते हैं यहीं पे तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।